हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फेस्टिवल के सीज़न आ गए हैं, तो फेस्टिवल शुरू होने से पहले मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ, उसे कैसे सजाती हूँ, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दशहरा से पहले मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिससे कि फेस्टिवल में मैं बिल्कुल फ्री रहूँ, उसे अच्छे से इंजॉय कर सकूँ और फेस्टिवल में मैं अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई कर सकूँ, शॉपिंग कर सकूँ, डेकोरेट कर सकूँ। इसके लिए मैं क्लीनिंग पहले से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पुराने बेड कवर से मैं बेड को कवर कर दूँगी, तकिए को कवर कर दूँगी, जिससे कि डस्ट उसके अंदर ना जाए। तो जो बेड कवर बिछा हुआ है उसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी, उसको मैं नहीं कवर करूँगी क्योंकि वो मुझे वॉश ही करने हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अच्छी सी म्यूज़िक लगा दी, अपने बाल बांध रही हूँ और अब मैं अपने मिशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस झाड़ू मैंने उठा लिया है और सबसे पहले दीवारों में लगे जालों को मैं साफ़ करूँगी। तो बेडरूम की क्लीनिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। तो पहले दिन मैंने अपने कर्टन्स धोए थे, उनको प्रेस किया था और उसके बाद मैंने बेड के बॉक्स को क्लीन किया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, और सेकेंड डे मैं आधे काम निपटाने वाली हूँ। तो दीवारों पे जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे पहले मैं उनको निकाल दूंगी, दीवार बिल्कुल खाली रहेंगे तो आसानी होगी साफ़ करने में। और मैंने देखा लाइट्स काफ़ी गंदे थे, उनमें काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी, तो मैं उसको ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। और ये दरवाजे के ऊपर भी काफ़ी सारे डस्ट जमा हो गए थे, उसको भी मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। दूसरी दीवार को भी मैं खाली कर दे रही हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने अपने घर को खुद से ही पेंट किया था। मैं शांति से बैठती नहीं हूँ, मुझे ये सब करना बहुत ही पसंद है और मैं अपने घर की प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन सब कुछ मैं ही हूँ और ये सब करना मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन ये खिड़कियाँ और दरवाजे साफ़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। कोई नहीं, हम इसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो ये जो भी मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ये मैंने घर पर ही बनाया है। तो इसमें मैंने हाफ कप सिरका लिया है और एक कप पानी लिया है और उसको मिक्स कर दिया है, तो हमारा मिक्सचर तैयार है। तो इसी से मैं शीशे और दरवाजे साफ़ कर रही हूँ और इन्हीं से मैं लाइट्स, बेड, टेबल सब इन्हीं से साफ़ करूँगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल चमक जाते हैं। आप चाहे तो इसमें लिक्विड सोप भी डाल सकते हो, इससे वुड की चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ होती हैं। मैं थोड़े थोड़े दिनों में इन सभी चीज़ों की सफाई कर लिया करती हूँ, जैसे ये ज़्यादा गंदे नहीं हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुंदर, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड दिखे, तो सबसे पहले जो पुरानी चीज़ें हैं जिनका हम सालों से यूज़ नहीं किए हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी ये यूज़ में आ जाएंगे बट कभी आते नहीं हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों का डिस्कार्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी नीडी लोग हों उनको डोनेट कर दें और जितना कम सामान रहेगा आपके घर में, जितने आप मिनिमल रहोगे उतना ही साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर लगेगा। तो अब मैं एसी की डस्टिंग कर रही हूँ, तो इसे मैं बस ऊपर ऊपर से ही साफ़ करूँगी क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंड सा होने लगा है और 10-12 दिन में एसी बंद ही हो जाएंगे, तो इनका प्रॉपर सर्विसिंग होगा। इसके बाद मैं कंप्यूटर टेबल की भी सफाई करूँगी। तो अभी मैं कंप्यूटर साफ़ कर रही हूँ, तो कंप्यूटर साफ़ करने के लिए मैंने बस एक साफ़ सुथरा सूखा कपड़ा लिया है और मैं इसी से इसे साफ़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं सिरका वाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने एक रूम के डीप क्लीनिंग में कम से कम 3 दिन लगाए और पहले मैंने अपने कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ किया, दूसरे दिन मैंने अपने कर्टन वॉश किए, प्रेस किया और मैंने अपने बेड के बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें जो पुरानी चीज़ें थी जो हमारी यूज़ की नहीं है उन्हें मैंने डिस्कार्ड किया। और तीसरे दिन मैं दीवारों की डस्टिंग, फर्नीचर की डस्टिंग कर रही हूँ और थोड़ा बहुत मैं मेकओवर करूँगी। तो इस तरह हमारे अगर हम प्लान करके कोई भी चीज़ को करें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि मैं डेट और डे डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इस रूम की सफ़ाई इस डे को करनी है और मुझे इस रूम की सफ़ाई इस दिन तक ख़त्म कर देनी है,
और अगर मैं एक ही दिन सारा काम करने लगती तो पूरा दिन लग जाता है और बाकी के काम काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। तो लाइफ स्मूथ चलती रहे इसके लिए मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ, डेट डिसाइड कर लेती हूँ और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं उसे पूरा करती हूँ। तो मैंने फ़ैन भी साफ़ कर लिया है और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। उन्हें मैं उसी सिरका वाटर से ही मैं साफ़ कर रही हूँ और उनको उनकी जगह पर प्लेस कर दूँगी। अभी तो जो जहाँ भी लगे हुए थे मैं उसे उसी जगह पर प्लेस कर दूँगी और दीपावली में मैं कुछ चेंजेस करूँगी जो मैं शायद आपके साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फाइनली मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है और अब मैं कर्टन्स लगाऊंगी और बेड कवर चेंज करूंगी। तो कर्टन्स मैं कभी अकेले नहीं लगाती हूं बट अभी घर पर कोई भी नहीं है तो इसे मैं ही लगा रही हूं। तो कर्टन्स मैं ब्लैकआउट नहीं लगा रही हूं क्योंकि जब इस पर्दे से धूप और रोशनी छनकर रूम में आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, इससे घर में लाइटिंग रहती है। तो चलिए कर्टन्स भी फाइनली लग गए हैं और इसके बाद मैं बेड कवर, कुशन और पिलो कवर चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने इस रूम का थीम रेड और वाइट रखा है और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा जो बेड है वो वाइट कलर का है तो उसमें रेड कलर का बेडशीट काफ़ी अच्छा जाता है और मैं इसमें ऑफ वाइट कलर का कुशन कवर भी लगाऊंगी। तो ज़्यादा भी बेडरूम में मैं ब्राइट कलर्स यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि इससे रूम काफ़ी छोटे और भरे भरे से लगते हैं, वैसे ब्राइट कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स में। लेकिन मैं जब भी ब्राइट कलर की बेडशीट बिछाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वो प्लेन हो, प्रिंटेड नहीं हो, क्योंकि अगर हम ब्राइट कलर का प्रिंटेड चादर बिछाएंगे तो उससे हमारा रूम काफ़ी भरा भरा सा लगेगा और रूम का 50% एरिया तो बेड ले लेते हैं। तो काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कैसी बेडशीट बिछा रहे हो और वो रूम को बड़ा या छोटा दिखा रहे हैं। तो चलिए पिलो कवर और कुशन कवर लग गए हैं तो इसे हम उसकी जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो बाकी की चीज़ों को भी मैं उनकी जगह पर लगा दूंगी और थोड़ा ग्रीनरी इफ़ेक्ट लाने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा प्लांट भी लगा दिया है। तो अब मैं अपना टेबल भी सेट कर लेती हूँ और मैं यहीं से अपने चैनल का काम करती हूँ, मैं यहीं से वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो इसे भी मैं ज़्यादा चीज़ों से भरूँगी नहीं, इसे मैं खाली ही रखूँगी, बहुत ही सिंपल रखूँगी। और इस टेबल को भी मैं काफ़ी सिंपल रखूँगी, इसमें मैंने वाइट कलर का रनर बिछाया है और इसके नीचे जो सेल्फ़ है उसमें मैं कुछ टॉयज़ रख रही हूँ जो मेरी डॉटर को हमेशा चाहिए होते हैं, तो मैं इसे सामने ही रखी हूँ कि वो आराम से इसे ले ले। और लोकल मार्केट से मैंने ये बॉक्स लिया है, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है और इसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिससे कि मैं अलग अलग चीज़ें इसमें रख सकती हूँ। इसमें मैंने चार्जर, टीवी रिमोट, एसी रिमोट, फ़ोन रखा है और कुछ पेन पेंसिल्स मैंने डाल दिए, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मैं मैट बिछा रही हूँ, तो ये कारपेट मैंने ऑफ वाइट कलर का ही बिछाया है। तो इसके साथ मेरा आज का काम ख़त्म होता है। तो चलिए मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ। तो ये बेड के ऊपर मैंने फेरी लाइट्स लगाया है जो फेस्टिवल में दीपावली में काफ़ी अच्छे लगते हैं, वैसे ये फेरी लाइट्स मेरे हमेशा लगे रहते हैं क्योंकि मुझे फेरी लाइट्स बहुत पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम का लुक कैसा आया। Thank you.
तो ये बेडरूम का नाइट लुक है और बालकनी में भी मैंने कुछ लाइट्स ऐड कर दिए हैं जिसे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और बेडरूम में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट डाल रखा है और इसके बाद मैंने कुछ लाइट्स लगा दिए, इसके कारण ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगे या अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।